भाई के यहाँ 3 ठेले लगा दिए हैं, ये अंबानी से कम नहीं है मुझे लगता है। ऐसा भी होता है कि किसी दिन कुछ भी कमाई ना हो, ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता है, होता है। हमारे यहाँ ड्राइव पे यहाँ लोग आते हैं, लवर्स पॉइंट चलता है। अभी आप महीने का कितना बचा लेते हैं पैसा? महीने का इसी का ही मेन काम है क्या सर? इसी का मेन काम है, तो सब मिल जाएगा मार्केट में। ये कितने का बनाया है बैंक भाई? 14,000 में बनाया जी सर, गैस लगा हुआ है। अच्छा, इसको बस इसको जब भी आप बनाते हैं उसको जलाना पड़ता है? ये देखिए, इसमें मैजिक मसाला है। हाँ, ये अपना चाट मसाला है। हाँ हाँ, ये लाल मिर्ची है। अच्छा, और ये नमक है, काला नमक। अच्छा, ये बटर है। अच्छा, ये बटर भी डालते हो? ओके, इतने सारे चीज़। हाँ, और लेमन है इसमें। इसमें लेमन है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह नावर की इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे सारे वीडियोस देखते होंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये स्वीट कॉर्न का एक आप साइकिल देख सकते हैं जिसमें पूरा स्वीट कॉर्न फिक्स है। और चलिए आइए, मिस्टर मयंक गुप्ता जी हैं, ये इसको चलाते हैं, पूरी जानकारी लेंगे इस बारे में। सो मयंक भाई, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। तो मयंक भाई, ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गया करते हैं। 5 साल? जी सर। तो ये क्या खुद की है कि खुद की? ये जो रिक्शा जो आप साइकिल देख रहे हैं इसको अपन क्या बोलेंगे, साइकिल ठेला समथिंग उसी टाइप से बोल सकते हैं। तो ये आप क्या पहले किराए में लेके चलाते थे कि पहले खुद ही खरीद लें? खुद का बनाया हूँ मैं शुरू से। ये कितने का बनाया हूँ मयंक भाई? 14,000 में बनाया है। क्या ये रेडीमेड मिलता है कि बनवाना पड़ता है? तो पूरा 14,000 में बन जाता है? ओके। तो अब ये बताइए कि ये जो 5 साल से आप कर रहे हो, तो कैसा है अभी रिस्पांस, कैसा है? बढ़िया है, अच्छा है। इसी से आपका घर चलता है? सब इसी से चल रहा है, परिवार इसी से चल रहा है। तो कितने घंटे काम करते हो मयंक भाई आप? यहाँ तो मैं 8 घंटा लगाता हूँ। कितने बजे आते हो? 1 बजे आता हूँ, 8-9 बजे चला जाता हूँ। 1 बजे आते हो, 8-9 बजे चला जाता हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या क्या मेजर जो हर दिन जो क्या क्या खर्चा लगता है आपको? इसमें खर्चा मसाला है, मैजिक मसाला, चाट मसाला, बटर, नींबू, स्वीट कॉर्न, गैस का भी वो है सर? हाँ, गैस भी लगता है। कितने दिन में गैस भरवाते हो? 4 दिन में भरवाते। 4 दिन में एक बार गैस भरवाते हो? छोटा टंकी है। अच्छा, छोटा टंकी है। भैया, इसका प्रोसीजर क्या है? ये यहाँ पे गैस लगी हुई है, ये गैस लगाना है ना? जी सर, गैस लगा हुआ है। अच्छा, इसको बस इसको जब भी आप बनाते हैं उसको जलाना पड़ता है? ये देखिए, इसमें मैजिक मसाला है। हाँ, ये अपना चाट मसाला है। हाँ हाँ, ये लाल मिर्ची है। अच्छा, और ये नमक है, काला नमक। अच्छा, ये बटर है। अच्छा, ये बटर भी डालते हो? ओके, इतने सारे चीज़। हाँ, और लेमन है इसमें। इसमें लेमन है? लेमन को आप मिक्स करके बस बना देते हैं? मिक्स कर। अच्छा, ऐसा इसके अंदर स्वीट कॉर्न है, स्टीमर। अच्छा, है। ये ऐसा करके आप स्वीट कॉर्न, ये गरम रखना जरूरी रहता जी है ना? सर, जी। और इसका पैकेट जो आता है वो दिखाएंगे क्या? कौन सा पैकेट? तो अभी नहीं आया है यार, पैकेट खत्म हो गया क्या? हाँ, ठीक। तो इस टाइप का आप देख सकते हैं, अमेरिकन स्वीट कॉर्न रहता है। अच्छा जी सर। तो ये सब मसाला लोकली मिल जाते हैं क्या? हाँ सर, मिल जाता है, केवल बनाना पड़ता है मैजिक मसाला। अच्छा, कौन सा बनाना पड़ता है? ये मैजिक मसाला। ये मैजिक मसाला, ये इसी का ही मेन काम है क्या सर? इसी का मेन काम है, तो सब मिल जाएगा मार्केट में। अच्छा जी सर। तो मैजिक मसाला आप कहाँ से बनाना सीखे हो? मैं बनाना बहुत पहले से सीख गया हूँ, इसमें बहुत सारा आइटम। हाँ, तो अब ये बताओ, ये आइडिया कहाँ से आया था आपको? ये मैं मॉल वॉल गया था वहीं खाने, तो वहाँ देखा तो मेरे चैलेंज कर दिया स्टार्ट। अच्छा, और फिर आप क्या चलाने से पहले किसी को पूछे थे कि कैसे क्या है? किसी से? खुद ही चालू कर दिया? चालू कर दिया। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपने मॉल में देखा फिर ये किया, तो उस टाइम आप क्या करते थे? उस टाइम तो ऐसे ही गुपचुप ठेला चलाता था पहले मैं शुरू में। पहले आप गुपचुप ठेला चलाते? पहले गुपचुप ठेला चलाता था, उसके बाद फिर जब देखा कि इसमें कमाई ज़्यादा है थोड़ा तो स्टार्ट कर दिया। हाँ, गुपचुप ठेला कितने टाइम चलाया आप? उसको भी 3 साल चलाया। 3 साल चलाया उसको भी? कम चलाया। अच्छा अच्छा, तो उस पर कितना इनकम हो जाता था? उसमें भी डेली 500-600 बच जाता था। उसमें बच जाता था 500? इसमें कितना बच जा रहा है? 700-800 इसमें बच जा रहा है। इसमें मेनली खर्चा और क्या होता है, कॉर्न का रहता है? कॉर्न है, मसाले लोग हैं और बटर है। ये मसाले क्या बाजार में मिल जाते कि स्पेशली बनवाना पड़ता? कुछ बनाना पड़ता है, कुछ मिल जाते हैं। कुछ बनाना पड़ता है, कुछ मिल जाता है। तो ये बताइए कि जैसे 700-800 रुपये अपन कमा लिए, तो उसमें खर्चा कितना निकालना पड़ता है? खर्चा निकाल के 700-800 बन जाता है। खर्चा निकाल के बन जाता है? 700-800 बन जाता है। अच्छा, इसमें और क्या क्या जो परेशानी आपको आता है, जैसे कि
नहीं कोई परेशानी नहीं, और कुछ मसाले अपने बनाते हैं, कुछ मार्केट में मिलते हैं उसको लाते हैं। अच्छा, तो वो सब मिला के आप? हाँ, सब मिला के। कितने का बेचते हो आप? छोटा थी हाफ 30 का है, फुल 50 का। अच्छा, हाफ 30 का मिलता है, फुल 50 का मिलता है, तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाता है। हो जाता है। इसमें क्या आपको तैयारी करने के लिए कुछ टाइम लगता है? ज़्यादा तैयारी नहीं, टाइम नहीं लगता है, मार्केट में मिलता है फोन में। हाँ, आप कुछ पढ़े लिखे भी है? हाँ। कितना पढ़े आप? इंटर तक किया। इंटर बोले तो 10th? नहीं ले, 12th। 12वीं तक आप पढ़े? 12वीं तक। 12वीं के बाद आपने सोचा नहीं कि कोई जॉब कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा? घर में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए निकलना पड़ा बाहर, नहीं तो नहीं तो पढ़ाई का मन था। पढ़ाई का मन था, मतलब क्या है, बाहर निकलना पड़ा, पैसा नहीं था उस टाइम। तो अभी आप महीने का कितना बचा लेते पैसा? महीने का 20-22 हज़ार बचा लेते। 20-22। नौकरी करते तो क्या बच जाता क्या? नहीं 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 बचता। लोग यहाँ 10 हज़ार में कर रहे हैं, 8 हज़ार में कर रहे हैं। हाँ वही तो, उस हिसाब से आप मतलब खुद के मालिक है। इसको क्या आप चला के लाते हो डेली? चला के लाता हूँ, चला के ले जाता हूँ। कितना दूर है आपका? 4 किलोमीटर टिकरा पारा। 4 किलोमीटर से आप आते हो, तो लाने में कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी, साइकिल है लेके चला जाता हूँ, चला आता। अच्छा, तो फैमिली वाले क्या कहते हैं इससे, ये काम से खुश है? हाँ खुश है, खुश है। तो अगर अगर ये बिजनेस कोई करना चाहे तो कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो 15-16 हज़ार लगेगा। 15-16 हज़ार। तो अगर मैं आपका नंबर नीचे दे दूँ तो आप क्या हेल्प करोगे? हाँ, साइकिल बनवाने में और ये सब में कर दोगे? हाँ। तो देख सकते हैं कि भाई जो है वो ज़रूर आपका हेल्प करेंगे कि ये साइकिल कैसे बनाया जाता है और ये चीज़ कैसे वो होता है। मसाले का भी एडवाइस आप दे दोगे ना? हाँ सब दे देंगे सर। गुपचुप, आप गुपचुप में तैयारी करने में भी बहुत टाइम लग जाता है? बहुत टाइम, चटनी घटाई बहुत टाइम लगता था, आलू आलू बॉयल करो पूरा, बहुत काम बहुत रहता। सुबह से उठना पड़ता है ना? बहुत काम रहता है सुबह से अंत तक। हाँ, बट इसमें वैसा नहीं है ना? इसमें काम नहीं है, मसाले हैं, सब सूखा आइटम है। हाँ हाँ हाँ, पूरा खराब वाला कोई आइटम नहीं? खराब वाला आइटम। तो जैसे ऐसा भी होता है कि किसी दिन कुछ भी कमाई ना हो, ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता है, होता है, हमारे यहाँ ड्राइव पे यहाँ लोग आते हैं, लवर्स पॉइंट है। तो ये कहते हैं लवर्स पॉइंट है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और ये बताइए कि जब आप ये काम करते हैं और मतलब अभी तो खासकर आपका बिजनेस सही चल रहा है, शुरुआत में आप जगह कैसे ढूंढे कि ये जगह में लगाऊंगा तो ज़्यादा इनकम होगा ऐसा करके? यहाँ घूमने आया था, देखा यहाँ भीड़ भाड़ था, तो उसी दिन से सोचा गया चलो यहीं कुछ करेंगे। पहले मैं गांधी मैदान में लगाता था, कांग्रेस भवन में। अच्छा। और वहाँ कुछ चुप चाट बेचता था, वहाँ जब जी सेल था तब धंधा होता था, जी सेल खत्म धंधा ही खत्म। तो आपने यहाँ लगाया? यहाँ। तो यहाँ पे जो पहले से लगाते हुए आते हैं उन लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं क्या? मेरा ही टीम ठेला है यहाँ पर। आप ही का 3 ठेला है? मेरा ही 3 ठेला। अच्छा, आप खुद और ठेला खरीदे? मेरा 3 ठेला लगता है, लड़के लोग आप हायर किए लड़के? वाह। तो आप वो कितने रुपए पगार देते हो आप? 10 हज़ार खाना पीना रहना फ्री। अच्छा, तो ये बताओ कि आपके कितने ठेले हैं यहाँ? मेरे 3 ठेले लगते हैं। भाई के यहाँ 3 ठेले लगा दिए हैं, ये अंबानी से कम नहीं है मुझे लगता है। तो आप बताओ कि उनको सैलरी खाना वाना दे के 10 हज़ार रुपये देते हो उनको? खाना पीना रहना फ्री। उस ठेले से कितना कमा लेते हो? वो भी 4-5 सौ कमा के देते हैं। अच्छा, मतलब 10-10 हज़ार उसमें कमा लेते हो? हाँ कमा लेते। मतलब 40 हज़ार कमा लेते हो क्या? कमा लेते। आप सब मिला के 40 हज़ार? वाह यार, 40 हज़ार की नौकरी, मतलब एक इंजीनियर भी अगर देखा तो 40 हज़ार रुपये नहीं कमाता है। और इनको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये उतना कमा लेते हैं, करेक्ट? पहनावा में उतना सिंपल सादा रहते हैं, है ना? तो ये बताइए और एक चीज़ बात कि आपकी शादी हो गई है? नहीं, शादी अभी नहीं। अभी नहीं हुई है। फैमिली को आप क्या जमा करते हैं पैसे की? फैमिली को भेजते हैं हर महीने। फैमिली को भेजते हैं हर महीने? भेजते हैं। अच्छा, तो सही में यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत सारी ऐसी जानकारी दिया है। सो गाइस, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। अगर आपको इनको कांटेक्ट करना हो और आप भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और इनसे राय लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर इनका दे दूंगा, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर लो इनको। नंबर आपका क्या है बता दीजिए? 8858-44-5658। लोकेशन किस लोकेशन में? लोकेशन अपना टिकरा पारा RDA बिल्डिंग, नूतन स्कूल ढलान के पास। और ये बिजनेस चालू करो, है ना भाई? बहुत सारे पढ़े लिखे जो रहते हैं उन लोग शर्माते हैं ये सब काम करने में। काम में कौन शर्म है, अब घर चलाना है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको कोई शर्म लगता है क्या?
कुछ नहीं, मेरा भाई भी एक जन था, वो बीए हुए करके आया था गांव से, वो भी यही कर रहा है। वो भी यही कर रहा है? वो भी यही कर रहा है। अच्छा, शाम को लगाता है। तो शाम को लगाता है, वो बीए पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं इनके ब्रदर भी एक, वो भी बीए पढ़े हुए हैं, उनका भी कभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, है ना। तो अच्छा लगा आपको, आपसे मिल के यार, और आपको मैं एक सैल्यूट दूंगा यार, जो आप एक ईमानदारी का काम करते हो। और इस उम्र में लोग क्या नशा पानी में चले जाते हैं, बहुत सारा ऐसा काम करते हैं, बट आप देखो यार, आप यंग हो और अपनी फैमिली को देख रहे हो, सोचे हो कुछ करने का और जज्बा है। और ऐसा बोलते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या फिर ऐसे बात है यार, मैं पढ़ लिया हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली इनको देख के कुछ ना कुछ आप इंस्पायरिंग इनसे हो सकते हैं, मोटिवेटेड है एक्चुअली। और ऐसी आप वीडियो देखिए दोस्तों, और इनसे ऐसे लोगों से इंस्पायर होइए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप ये सोच लीजिए, ये एक एग्जांपल है आपको, आपके सामने। तो अगर आप पढ़े लिखे और आपको कुछ करना है तो आप करिए, किसी का परवाह मत कीजिए, क्योंकि कोई दूसरा आपको खाने के लिए नहीं देगा। डेफिनेटली लोग आपको सिर्फ कहेंगे आगे पीछे, और कुछ नहीं, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को भी, और ऐसे ही वीडियो देखा कीजिए और इंस्पायर होते रहा कीजिए। और अगर ये बिज़नेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, आप जाके कॉल कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। कभी हार मत मानिए अपने जीवन में, बहुत बार ऐसा लगेगा टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बट वहाँ पे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। नेवर गिव अप इंडिया, बाय गाइस, सी यू सून।